नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से लेके आया हूँ दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये जो जॉब है ये निकली है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, विक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में। सभी भारतीय आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी इंडिया के साउथ वाली साइड में रहने वाली है, यानी कि आपकी जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी ओडिशा में, केरला में या तमिलनाडु में। इन तीनों में से कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, लेकिन सभी भारतीय आवेदन कर सकते हैं। इवन रिजर्वेशन का बेनिफिट भी जो है आप सभी लोगों को मिलेगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से जो है अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपको सैलरी मिलेगी। सो आप कहीं भी जॉब जो है वो कर सकते हैं। 9/3/2019 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15/4/2019 तक आपको जो है वो ऑफलाइन मोड से आवेदन कर देना है। ऑनलाइन मोड से आवेदन नहीं करना, ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। और फीमेल को SC ST को किसी तरह की फीस भी नहीं है, तो जरूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस जॉब के बारे में, साथ ही बताऊंगा सही तरीका अप्लाई करने का। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है। बात करें पोस्ट की तो टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राइवर, इन सभी के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप सैलरी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। बात करें डिसिप्लिन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद अगर आपने प्लस टू करी हुई है, 10th करी हुई है, ITI करी हुई है, डिप्लोमा करा हुआ है, आप सभी को यहाँ पे जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपकी बात बन सकती है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, किसी में मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है, किसी में 28 साल है, तो ये आपको खुद भी जो है वो देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप चाहते हैं तो किसी भी वक्त लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां पे जब आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो यहाँ पे बटन बना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको डाउनलोड करके फिल कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट के हिसाब से बताई गई, जैसे 1 नंबर पोस्ट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारी। अब आप वापिस जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13, 14, 15, तो ये पोस्ट को वहां पे जो है देख लेना आपने कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री करी हुई जूलॉजी में, लाइफ साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में करी हुई है, या बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी में है, सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ है, बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में करी है, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। BE/BTECH अगर करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, IT में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th है आपके पास, साथ में अगर आपने कुछ डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, मेडिकल लेबोरेटरी का, तो भी आवेदन कर सकते हैं। 10th पास है तो ड्राइवर की पोस्ट है आपके पास, अगर आपने ITI करी है तो भी आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो सभी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, वो आपको खुद भी जो है वो आके चेक करनी पड़ेगी। बाकी ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जो है वो देख सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज दोस्तों पहले मैंने आपको बता दिया हर पोस्ट के लिए अलग एज लिमिट है, लेकिन एज लेस सेक्शन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिल जाएगी, जैसे कि पहले मिलती आई है। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप SC ST PWD और वुमेन है तो आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी है। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को, यानी कि जनरल कास्ट वालों को, दी डायरेक्टर ICMR VCRC, और जो पेबल रखना है वो रखना है पौंडीचेरी में। तो ये सारी चीज़ें करके अपने साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये सारी जेरोक्स कॉपीज जो है वो लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, ये वो सर्टिफिकेट है। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद दोस्तों उनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना, ये वाला एड्रेस है, ये आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 15/4/2019 से पहले पहले जो है आपको मिल जाना चाहिए, तो ऐसे दोस्तों जो है आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन विजिट करना मत भूलिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म का ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करके साथ में भेज देना। सो ये तो थी दोस्तों छोटी सी अपडेट इस जॉब के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।